आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कांके विधायक समरी लाल ने प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, श्रम नियोजन विभाग को राज्य सरकार ने श्रम नियोजन कर दिया है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार श्रमिकों को ट्रेन से भेज रही थी, तब झारखंड की हेमंत सरकार सो रही थी। उन्होंने कहा, झारखंड लौटकर आए किसी भी प्रवासी मजदूर का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग का जो कार्य था, वो ऐसा लगता है कि झारखंड बनने के बाद पहली बार धरातल पर उतरा था और काफ़ी नियोजन के तहत काफ़ी नियोजन दिया गया। कई फैक्ट्रियां हमारे यहाँ खुली, कई उद्योग धंधे लगे और काफ़ी संख्या में श्रमिक जो बाहर जाते थे रोजगार के लिए, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ रोज़गार मिला था और पलायन बहुत सा कम हो गया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, आपने देखा होगा कि जैसे ही सरकार बदली, कोरोना काल के समय में बाहर से बहुत से हमारे मजदूर साथी झारखंड आए। जब वहाँ से वो ट्रेन के द्वारा सरकार, भारत सरकार उनको अपने अपने स्थान पर भेज रही थी, वो बेचारे आ रहे थे तो झारखंड की हेमंत सरकार सो रही थी। उनको पता भी नहीं है कि हमारे जो झारखंडी भाई जो देश प्रदेशों में जाकर अपनी कला के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां में, चाहे वो कपड़ा की मिल हो, चाहे सूत की मिल हो, चाहे बर्तन उद्योग हो, चाहे कालीन उद्योग हो, या विभिन्न उद्योगों में वहाँ पर कार्य कर रहे थे, और जब वहाँ से उनको यहाँ भेजा गया तो काफ़ी तादाद में हमारे प्रशिक्षित रोजगार लोग रोजगार देने के लिए, रोजगार पाने के लिए यहाँ आ रहे थे कि फिर अपने देश को चलते हैं, अपने वतन को चलते हैं, अपने राज्य में चलते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद न किसी का रजिस्ट्रेशन किया गया, आज तक कोई रजिस्ट्रेशन किसी भी प्रवासी मजदूर का नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप आप देखे होंगे कि फिर पलायन शुरू हो गया बहुत बड़ी तादाद में, और दुर्भाग्य की बात है कि वो उस पलायन में सरकार भी साथ दे रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा सुना होगा कि अंडोमान निकोबार भेज रहा है लोग 25-25 हज़ार को दिहाड़ी मजदूरी कराने के लिए, जबकि हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग बंद किए जा रहे हैं। आप देखे उदाहरण के तौर पर ओरिएंटल क्राफ्ट हमारे ही कांके विधानसभा के अंतर्गत गाड़ी होटवार में आप देखे होंगे बहुत बड़ा कपड़ा